यो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गबरू गेड़ीबाज़। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं अमृतपुर में। ये पड़ता है हल्द्वानी से आगे करीब कितना किलोमीटर दूर पड़ता है? 14 किलोमीटर करीब 14 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये नैनीताल वाले रास्ते पड़ता है ना? ना, भीमताल वाले पे। अच्छा, भीमताल वाले रास्ते पड़ता है। और हमारे साथ हैं आज देवेश द डीजे, और आज हम यहाँ पे अमृतपुर को एक्सप्लोर करेंगे। अमृतपुर जो है, आपको कई हमारे सब्सक्राइबर ने हमें रिकमेंड किया था, तो हमने भी सोचा कि यहाँ पे आकर देखा जाए। हमने नेट वगैरह पे देखा तो काफ़ी अच्छी प्लेस थी, वन डे टूर के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कैसे आना है यह आप बताएंगे देवेश। आप यहाँ हल्द्वानी रोडवेज पे आके कि कहीं भी ऑटो पे पूछ लीजिएगा, ऑटो वाला आपसे लगभग 150 रुपये करीब चार्ज करेगा। आपको सीधा यहीं पे गौला के पास छोड़ेगा। आप सीधा यहाँ गौला में आ सकते हैं, नहा सकते हैं, फ़न कर सकते हैं। मैं तो आप लोग को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग अपने बाइक या फिर व्हीकल से आ रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप लोग ऑटो वगैरह से आ रहे हैं तो यहाँ पे गेट के पास आप लोग का ऑटो वाला छोड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आप लोग को नीचे जाना पड़ेगा। और मौसम आज का बहुत ही सुहाना हो गया, बहुत ही प्लीजेंट वेदर हो गया है। जब हम कल तक तो धूप बहुत ज़्यादा थी, और लेकिन आज सुबह से ही मौसम बहुत ही प्लीजेंट है, तो घूमने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं वैसे, लेकिन अभी करीब बज रहे हैं 9:15, तो ज़्यादा लोग तो आए नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ में एक्सप्लोर करने में मज़ा तो वैसे नहीं आता। आप देख लीजिए, यहाँ पे नीचे नदी भी है, तो यहाँ पे लोग आके नहाते भी हैं। अभी जैसे टाइम बढ़ेगा यहाँ पे टूरिस्ट आते जाएंगे। और तो फ्रेंड्स, अभी हम एक्चुअली आ चुके हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं नदी की जो पानी है उसका आवाज़ आप देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ पे आकर घंटों अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आके लोग नहाते भी हैं, तो आपके लिए वन डे टूर के लिए बेस्ट प्लेस है। हमारे सब्सक्राइबर ने, कई सारे सब्सक्राइबर ने हमको रिकमेंड किया था कि आप अमृतपुर जरूर जाइए, बहुत ही अच्छी प्लेस है, तो हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो आप लोग भी जहाँ हमको चाहते हैं कि उस जगह का हम वीडियो बनाएं, वहाँ पे आकर एक्सप्लोर करें, तो आप नीचे कमेंट पर हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस नदी का नाम है गौला नदी। आपको बता दूँ कि गौला बैराज, पिछली बार जब मैं यहाँ पर हल्द्वानी आया था तो गौला बैराज पर भी गया था, वहाँ पर भी वही गौला नदी है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से एक बात, आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएँ, प्लीज़ इस तरह की गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पे एक छोटा सा झरना भी है, उधर आप देख सकते हैं पीछे। और यहाँ पे जाने के लिए बहुत ही सकरा रास्ता है, इन पत्थरों पे होके आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो अभी देवेश जा रहा है, इसके बाद मैं जाऊँगा। तो आखिर मैंने इस चट्टान को क्रॉस कर ही लिया, और जूते में थोड़ा सा पानी चला गया है, लेकिन चलेगा। इतनी खूबसूरत सीनरी देखने के लिए तो थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। आइए चलते हैं आप लोगों के पास। ये छोटा वाटरफॉल तरीके का ही है, और बहुत ही बेटर लग रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे वाटरफॉल के करीब, और बहुत ही बेटर लग रहा है यहाँ पे। और जो पानी की आवाज़ आ रही है वो आपका मन बिल्कुल मोह लेगी। और यहाँ पर आप लोग आकर करीब घंटों बिता सकते हैं अपने फैमिली के साथ। और ये देख लीजिए,
फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे खूब इंजॉय किया और यहाँ पे पानी और नदी और मौसम को देखते हुए हम लोग अंत में अपने आप को रोक नहीं पाए और करीब डेढ़ घंटे हम लोग नहाए भी। और अब हम लोग निकलेंगे घर की ओर। एक जाने से पहले आप लोग को एक बार पूरा व्यू दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हल्द्वानी काठगोदाम रुद्रपुर इसके आसपास रह रहे हैं, अगर वन डे टूर का आप लोग का प्लान हो रहा है तो आप लोग अमृतपुर आ सकते हैं। आप लोगों के लिए मोस्ट रिकमेंड मेरी तरफ से, आप लोग आइए तो आप लोग को पूरा मज़ा आएगा, इंजॉय कर सकेंगे, नहा सकेंगे। आप लोग तो नहाने को अपने आपको रोक ही नहीं पाएंगे। हम लोग अंडरगारमेंट्स अपने साथ लेके नहीं आए थे, फिर भी हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और हम लोग अभी नहा के तब अब जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग को क्या करना पता ही है, आप लोग को वीडियो को करना है लाइक, इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन जरूर आप लोग प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर से बोलना चाहूँगा कि मैंने कहीं नहीं, आप लोग जो भी अपने साथ खाने पीने और कोई भी सामान लेके आए तो उसका रैपर, प्लास्टिक की बोतल इत्यादि आप लोग यहाँ पे न फेंकें। अगर आप लोग अपने साथ कोई बियर वगैरह भी लेके आते हैं तो लेके आइए बिल्कुल, लेकिन आप लोग उसका केन जो है और उसकी जो बोतल है बैग में रख के वापस ले आइए और कहीं जहाँ डस्टबिन हो वहाँ पर उसको फेंक दीजिए। तो यही आप लोगों से कहना था क्योंकि मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, यहाँ पे बहुत सारे कचड़े पड़े हैं, कूड़े पड़े हैं। तो आप लोग ऐसे अगर टूरिस्ट प्लेस को अगर गंदा करते तो दोबारा कैसे आएंगे? हाँ गंदा करते रहेंगे भाई, दोबारा कैसे आएंगे? दोबारा भी तो आना है, आपको खुद को खुदा लगेगा। हाँ जब हम लोग आएंगे फिर दोबारा आएंगे तो हम ही लोग का कूड़ा कचरा वहाँ पर देखने को मिलेगा तो हम लोग को खुद ही बहुत ही बुरा लगेगा। और हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन उनके लिए भी हमें सेव करना है तो इस चीज़ का खासा ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।